दर्शकों, आपने महाभारत तो देखी ही होगी। महाभारत जब भी हम देखते हैं तो महाभारत में होने वाले युद्ध की सारी बातें अक्सर हमारी जुबान पर रहती ही हैं। इस युद्ध में कई लोग शामिल हुए थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस महायुद्ध में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम क्यों शामिल नहीं हुए थे? जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बलराम इस महायुद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रांशि राठौर। तो दर्शकों, बताते हैं कि बलराम बहुत ताकतवर थे और उन्होंने कई युद्ध भी लड़े थे, लेकिन उनके महाभारत युद्ध में ना शामिल होने के कई कारण थे और आज हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलराम कौन थे। जानकारी के लिए बता दें कि कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही थी श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया था और इस कारण उनका एक नाम संकृषण पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बलराम जी की शादी रेवती से हुई थी। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहते हैं। इसी के साथ उनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का मशहूर मंदिर भी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। लेकिन बलराम इतने बलवान थे, फिर महाभारत के युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए? दरअसल एक कथा के अनुसार बता दें कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था कि तुम मुड़ो और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक से पहुँच गए और दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण युधिष्ठर सभी प्रसन्न हो गए और उनका आदर भी किया। इसके सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से बोला कि कितनी बार मैंने कृष्ण को बोला कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक नहीं मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंतियों के आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद बलराम तीर्थ यात्रा पर चल दिए थे। तो दर्शकों, ये कारण था जिसकी वजह से बलराम महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम कहानियां लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से प्रांशी की रिपोर्ट।